नमस्कार। आज से हम नए आर्काना के बारे में पढ़ेंगे जो है कि पेंटिकल्स। अभी तक हमने वॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, सॉर्ड्स के बारे में पढ़ा और कप्स के बारे में पढ़ा। वो हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पेंटिकल्स हैं, जिसे कई बार कॉइन भी कहते हैं कोई लोग, पेंटिकल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं, बिजनेस मैटर्स के बारे में बात करते हैं, लॉयल्टी के बारे में बात करते हैं, फैमिली और कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। और स्पेशली अगर हमारा मनी, बिजनेस, जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है और उसमें पेंटिकल आते हैं तो हम उसे बहुत पॉजिटिव मानते हैं, बिकॉज पेंटिकल को कई लोग पैसे का रिप्रेजेंटेशन भी मानते हैं। तो बट खाली पैसे ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला, इट टॉक्स अबाउट मनी, हमारे मटेरियलिस्टिक गेन के बारे में, हमारे बिजनेस मैटर्स के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारी लॉयल्टी के बारे में भी हमारे पेंटिकल्स इंडिकेशन देते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में अगर देखें तो जो डायमंड कार्ड्स होते हैं वो हमारे पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एलिमेंट अर्थ होता है और सीजन इसका विंटर होता है। तो सबसे पहले जब हम कब पेंटिकल्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कार्ड जो आएगा वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हमेशा की तरह एस हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा करते हैं, पर हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे उसकी पिक्चर देखकर। तो हमारे स्क्रीन पर एक पेंटिकल का, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हम एक हेवनली हैंड है, उसके ऊपर पेंटिकल है, नीचे भी ग्रीनरी है, खुला आसमान है, कोई और नेगेटिव साइन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और जो ग्रीनरी है वो वैसे ही ग्रोथ का इंडिकेशन देती है। तो यस, दिस इज वन ऑफ द लकीएस्ट कार्ड टू हैव इन रीडिंग ऑफ बिजनेस या मनी रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड मैटर्स में। सो दिस कार्ड सेज न्यू बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। Yes, new beginning of the projects, and you are going to have excellent outcome of that projects, excellent financial outcome of the projects. ये कार्ड कहता है grab the opportunity. This is the time, and please grab the opportunity now. बिजनेस और करियर के केस में, जब भी बिजनेस, करियर या जॉब के केस में जब भी हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स आता है तो हम उसे वन ऑफ द बेस्ट कार्ड मानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी रीडिंग में, बिजनेस, करियर या जॉब की रीडिंग में एस ऑफ पेंटिकल्स या एनी ऑफ द पेंटिकल्स अगर आता है तो वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमारे इशारा करता है। जब ये बिजनेस में आता है तो ऑब्वियसली ये आपकी फिनेंशियल सक्सेस के बारे में इंडिकेट करता है। जब आपसे कहता है कि अपॉर्चुनिटी सामने है, उसे ग्रैब करो, यू आर गोइंग टू हैव एक्सीलेंट फिनेंशियल आउटकम ऑफ दैट प्रोजेक्ट और दी जॉब। न्यू प्रोजेक्ट के लिए तो ये कहता है कि यस, गो इन्वेस्ट, यू आर गोइंग टू गेन सो मच आउट ऑफ दैट। ये ना क्या बोलते हैं, कई बार ऐसे भी कहते हैं कि आप ये, जब हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है तो हम कहते हैं कि दिस इज अ मनी ट्री इन योर जॉब, करियर एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मनी ट्री जो हमेशा लगातार सालों साल तक आपको प्रॉफिट या अपने फ्रूट्स देता रहता है, तो ये, इसको हम मनी ट्री कार्ड भी कहते हैं। शुड आई टेक दिस जॉब, देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, सिंस दिस इज सो मच पॉजिटिव फॉर आवर बिजनेस, जॉब एंड करियर केसेस। तो एब्सोल्युटली यस, यू शुड। एक्स्ट्रा इनकम, इसके बारे में भी ये हमारा कई बार इंडिकेशन होती है एस ऑफ पेंटिकल्स की। वो वाली इनकम आपके लाइफ में आने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक क्लाइंट के साथ ऐसा था, ही वॉज इन अ जॉब, और जब एस ऑफ पेंटिकल के बाद ये रीडिंग आई कि आपकी कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो सकती है, तो ही सेड हाउ कम, आई एम अ सैलरीड पर्सन। बट उसने एक घर खरीदा हुआ था, उसका पोजीशन मिल गया और पोजीशन की रेंटल इनकम, उसकी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि एक्स्ट्रा इनकम कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड वे में शुरू हो सकती है। लव एंड रिलेशनशिप के केस में भी ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग जब बताता है तो बताता है कि नई रिलेशनशिप हो सकती है, आपके वर्क प्लेस से हो या आपका कोई कोलीग हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में चले जाएं, या ऐसा किसी बंदे से आप मिले जो काम की वजह से आप जिससे मिले और बाद में वो आपके रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। ये एक स्टेबल और पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन होते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बताते हैं कि ये कार्ड हमें ये भी एश्योरेंस देता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी स्कैसिटी ऑफ मनी इन योर रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप में मनी की कभी कोई कमी नहीं होगी, इसकी तरफ भी हमारा एस ऑफ पेंटिकल इंडिकेशन देता है। तो ये आज के ज़माने में सबको पैसे चाहिए और अगर पेंटिकल के कार्ड्स आके हमारी लाइफ को अच्छा बना देते हैं, प्रॉफिटेबल और हैप्पी बना देते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हम जॉब, करियर, बिजनेस जो भी करते हैं हम उसको इसी वजह से करते हैं या इसीलिए करते हैं कि उसके आउटकम आए, उसका प्रॉफिट हो, हमें फ़ायदा हो और हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएँ या मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भोग कर पाएँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव कार्ड टू हैव इन दिस एरियाज। इवन इन द रिलेशनशिप केसेस भी ये आपके पॉजिटिव होने की तरफ इंडिकेशन देता है। सो लेट्स होप कि आप सब लोग जब अपनी कोई भी रीडिंग करें तो उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स जरूर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।